को लेकर मध्य प्रदेश में जारी घमासान अब संवैधानिक व्यवस्थाओं व प्रतिक्रियाओं की जद में पहुंच गया है। करीब 22 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफों के बाद कमलनाथ सरकार जहां गिरने की कगार पर है, वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल से बीजेपी की शिकायत की। उसके बाद राज्यपाल ने सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों को हटा दिया है। कमलनाथ सरकार संकट में है, भाजपा का पूरा जोर। विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण से पहले सदन में फ्लोर टेस्ट कराने पर है। राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ की सलाह पर मंत्री परिषद के 6 सदस्यों को तत्काल प्रभाव से मंत्री परिषद से पृथक कर दिया है। इन मंत्रियों के नाम इमरती देवी, तुलसी राम सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी है। इस बीच सिंधिया समर्थक विधायकों को भोपाल आना था, लेकिन वो नहीं आए। इस कारण राजा भोज एयरपोर्ट पर कांग्रेस और सिंधिया समर्थकों के बीच तनाव के हालात भी बने। भोपाल एयरपोर्ट पर धारा 144 लगाई गई। किसी भी अप्रिय हालात से निपटने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लालजी टंडन को ज्ञापन सौंपकर बीजेपी की शिकायत की है। कमलनाथ ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप भी लगाया है। मध्य प्रदेश में सरकार बचाने की कवायद में जुटे मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अब राज्यपाल लालजी टंडन से बीजेपी की शिकायत की और ज्ञापन सौंपा। कमलनाथ ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग करने का आरोप लगाया और पूरे घटनाक्रम की जानकारी राज्यपाल को दी। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, हमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। मैं अभी राज्यपाल जी से मिला हूँ। सबसे पहले तो मैंने उन्हें होली की शुभकामनाएं दी हैं। मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया, एक पत्र दिया है कि किस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों को कैद किया गया है, जो आज पूरा देश इसका विटनेस है। इन विधायकों को इस कैद से छुटाया जाए और वापस लाया जाए, ये मैंने मांग रखी है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।